Assalamualaikum class 6 hope she will be fine students here's your book new oxford modern english so let's start on today's topic students today we are going to start unit uh, exercise b from unit number 6 a trespass and from exercise b we will uh, complete only part one that is included in our syllabus and its topic is prefixes इन इंग्लिश को यूज़ दी प्रोफेक्शिस डिस नॉन इन एंड अन टू फॉर्म द नेगेटिव ऑफ सर्टेन वर्ड्स क्या कुछ वर्ड्स हैं जो प्रोफेक्श हमारे पास हो क्या कि हम किसी भी वर्ड के स्टार्ट में यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोफेक्शिस कहते हैं वो हम यूज़ करते हैं ये डिस नॉन इन एंड अन टू फॉम द ने नगेटिव ऑफ सर्टेन वर्ड्स कुछ अल्फाज को मनफी बनाने के लिए उनके नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हम उनके साथ जो प्रफेक्श यूज़ करते हैं और द परफेक्ट्स आल मीन नॉट जो परफेक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका मतलब होता है नॉट मतलब कि किसी चीज़ की या किसी वर्ड की जो हमने मनफी कंडीशन बतानी है उसके लिए हम इन वर्ड्स को साथ यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए जी इसका पार्ट वन है सी एफ शू कैन राइट दी नेगेटिव फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग क्या आप इनकी जो नेगेटिव फॉर्म है वो लिख रहे हैं या लिख सकते हैं तो इसमें देखिए जी हमारे पास एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है नॉट हैप्पी मीन अनहैप्पी इसको हम कैसे बताएंगे जी जो ना खुश हो नंबर ए में देखिए नॉट एबल विल बी चेंज इन टू अनएबल अनएबल मीन जो ना अहल हो नंबर बी नॉट एवाइडेबल विल बी चेंज इनटू अन अनएवाइडेबल अन मीन ना गजीर होना नंबर सी देखिए जी नॉट रिस्पेक्टफुल विल बी चेंज इन टू जिसका मतलब है बेइज्जती करना नंबर डी देखिए जी नॉट विजिबल विल बी चेंज इंटू इनिबल इनविजिबल मीन होगा जो पोशीदा हो नंबर ई नॉट वायलेंट नॉट वायलेंट विल बी चेंज इन् टू नॉन वायलेंट नॉन वायलेंट का मतलब होगा अदम तद्द नंबर एफ नॉट यूनाइटेड विल बी चेंज इं टू अनयुनाइट अन यूनाइटेड का मतलब होता है जी गैर मुतीत होना नंबर जी नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट विल बी चेंज इन टू इनकुरेक्ट इनकुरेक्ट मीन गलत होना नंबर एच नॉट अप्रूविंग विल बी चेंज इं टू डिसप्रूविंग डिसप्रूविंग मीन नागवार होना नंबर आए हैं हमारे पास नॉन कर्टियस नॉन कर्टियस विल बी चेंज इन टू डिसकर्टियस डिसकर्टियस मीन नाशाइ होना नंबर जे नॉट कंसिडरेट विल बी चेंज इंटू इनकन्डरेट इनकसीड्रेट हो जाएगा जो गैर मतनाजे हो नंबर के हमारे पास आ रहा है जी नॉट नॉट कोऑपरेटिव नॉट कोऑपरेटिव विल बी चेंज इन टू अनकऑपरेटिव अन कोपरेटिव मीन जो मददगार ना हो नंबर एल है जी नॉट डिफिटिड और नॉट डिफिट विल बी चेंज इन टू अनडिफिटेड विच मीन्स नाकबले शिक्ष होना ओके स्टूडेंट्स यहाँ क्लियर हो गए नेक्स्ट uh, आज ही जी पार्ट नंबर सी पे लर्निंग अबाउट लैंग्वेज इसमें हमारे पास जो टॉपिक है डेट इज़ एजेक्टिव एन एजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन फॉर एग्जाम्पल एजेक्टिव वो वर्ड है जो किसी भी नाउन की गुड और बैड क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है फॉर एग्जाम्पल अ बिग बर्ड अ कलरफुल ड्रेस एंड अमेजिंग ट्रिक अ फिर लाइन इनमें हमारे पास वर्ड बिग कलरफुल अमेजिंग एंड फिरोशियस ये तमाम के तमाम एडजेक्टिव्स हैं जो कि अपने साथ आ, लिखे गए या बताए गए नाउन्स बर्ड ड्रेस ट्रिक और लाइन के बारे में हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं ओके स्टूडेंट्स नाउ का मान पेज नंबर सेवेंटी ओके जी स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने हमें डिस्क्राइब किया है जी एजेक्टिव कैन बी यूज इन सेवरल वे एजेक्टिव को हम किसी भी तरीके में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरीके से उसको सेंटेंस में हम यूज़ कर सकते हैं नंबर वन उन्होंने हमें बताया जी द एजेक्टिव कैन दुट इन फ्रंट ऑफ द नाउन हम एजेक्टिव uh, को नाउन के फ्रंट में भी पुट uh, कर सकते हैं इसको हम uh, इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हमारे पास uh, पहले से uh, हमें पता होता है कि हमने किसी नाउन के बारे में कोई चीज़ बतानी है ये इंफॉर्मेशन हमें पहले से होती है ओके okay, इस काइंड को हम ये भी कह सकते हैं कि जी एट्रीब्यूटिव एजेक्टिव होते हैं एट्रीब्यूटिव एजेक्टिव मीन कि इसमें हम आ, किसी भी एजेक्टिव की क्वालिटी जो कि उसके साथ हमने यूज़ करनी है वो हमें पहले से पता होता है फॉर एग्जाम्पल द मेटल ब्रिज द एक्सपेंसिव वॉच अ वार्म डे ओके स्टूडेंट्स इसमें नंबर टू उन्होंने हमें बताया द एजेक्टिव कैम पुट इन द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस प्रेडिकेटिव एजेक्टिव वो होते हैं जो कि हमारे पास उस नाउन के एंड पे यूज़ हो रहे होते हैं जिस नाउन को वो डिस्क्राइब हैं उसके आखिर में वो आ रहे हैं और जो uh, हमारे पास uh, पहले हमने बताए प्रेडिकेटिव और जो एट्रीब्यूटिव एटरीब्यूटिव एजेक्टिव वो होते हैं जो कि नाउन से पहले आते हैं और प्रेडिकेटिव एजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं फॉर एग्जाम्पल देखेंगे दिस वॉच इज एक्सपेंसिव अब वॉच नाउन है और एक्सपेंसिव एजेक्टिव बाद में आ रहा है ये हमारे पास प्रेडिकेटिव एजेक्टिव की एग्जाम्पल है और ड्रेस डर्टी ड्रेस नाउन पहले आ और डर्टी एजेक्टिव बाद में आ रहे हैं ओके स्टूडेंट्स अब यहाँ पे उन्होंने हमें कॉलम में एजेक्टिव के टाइप्स बताई हैं देर आर सिक्स मेन काइंड ऑफ एजेक्टिव एजेक्टिव की उन्होंने सिक्स मेन बताई हैं एजेक्टिव एग्जाम्पल्स और फंक्शंस उन्होंने बोला जी एजेक्टिव है जी ऑफ एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो क्या करते हैं दे शो द क्वालिटी ऑफ अ नाउन उनका फंक्शन क्या है वो किसी भी नाउन की क्वालिटी को एक्सप्लेन करते हैं इसकी हमारे पास एग्जाम्पल्स आ रही हैं जी अ बिग बैड अ लार्ज हाउस एन अमेजिंग ट्रिक अ डल प्ले हम किसी भी चीज़ की क्वालिटी बयान कर रहे हैं ओके जी नंबर तो टूर है डिस्ट्रीब्यूटिव वेजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटिव वेजेक्टिव क्या करते हैं जी दे पॉइंट आउट और डिस्टिंग्विश नाउन ये क्या करते हैं नाउंस को पॉइंट आउट करते हैं और डिस्टिंग्विश नाउन और उनको या हमें नाउंस के बारे में बताते हैं या उनमें हम फर्क कर सकते हैं इस सार की ये क्वालिटीज बताते हैं और इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव uh, एजेक्टिव जो आ रहे हैं वो ये वाले दिए गए मैंने देखे एरो भी लगाया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव ये हैं ईच एवरी इधर नीदर किसी चीज़ को uh, आप डिस्टिंग्विश कर रहे हैं किसी चीज़ में या किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं ओके okay? uh, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव है जी ईच एवरी इधर और नीडर समझ आ गई स्टूडेंट्स आगे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव ये हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव क्या होते हैं दिस पॉइंट आउट डेट ऑब्जेक्ट्स नेम्ड आर टू बी टेकन सेपरेटली ये हमें किसी भी नाउन के बारे में सेपरेटली बताते हैं ये हमारे पास दिस डैट दिस और दो से ठीक है थीके? ये किसी भी नाउन के बारे में हमें सेपरेटली बताते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ कार दीज आर बुक्स दोज आर हाउस डैट इज़ अ बैट ये वो ऑब्जेक्टिव हैं जो डिमॉन्सट्रेट कर रहे हैं किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं सेपरेटली किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी नाउन को हाँ जी जो ऑब्जेक्ट से पहले दिया गया नाम है उसको सेपरेटली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं नेक्स्ट आगे हमारे पास जी क्वांटिटेटिव एजेक्टिव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जी दे शो नंबर ये नंबर्स को शो करें फॉर एग्जांपल सम एनी फ्यू नन टेन नेक्स्ट है जी इंट्रोगेटिव एजेक्टिव इंट्रोगेटिव एजेक्टिव वो हैं दीज आर क्वेश्चन जो कि क्या पूछे questions. जो questions पूछ रहे हैं दीज आर क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल वर्ड विच हो नंबर uh, सिक्स है जी पोजैसिव एजेक्टिव दे शो पोजैशंस जो क्या शो करते हैं पोजेशंस शो करते हैं किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल माई और खीस हर देयर्स ओके स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर है नेक्स्ट आ गया हमारे पास एक्सरसाइज सीफ शू कैन पिक आउट द एंड नेम ऑल द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस कुछ सेंटेंस हमें गिवन है इसमें से उन्होंने बोला कि आप पिक आउट करें एडजेक्टिव्स कौन से हैं और वो किस कौन से वर्ड एडजेक्टिव हैं और उनकी क्वालिटीज क्या है वो किस चीज़ को कौन से एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं सेंटेंस नंबर वन है हमारे पास द डेंजरस एनिमल रोम अबाउट इन द थिक फॉरेस्ट सेंटेंस नंबर वन में हमारे पास डेंजरस है जो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है और थिक भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है जो कि फॉरेस्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और डेंजरस एनिमल को डिस्क्राइब कर रहे हैं नंबर बी में देखिए शी ब्रश्ड हर हेयर विद अ येलो एंड रेड ब्रश इसमें देखिए जी हर आ रहा है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव जो पोजेसन को शो कर रहे हैं येलो एंड रेड है जो ये हमारे पास क्वालिटी आ रही है जो कि ब्रश को ब्रश की क्वालिटी को शो कर रहे हैं नंबर सी देखिए जी हिज ग्रे हेयर फादर वॉज अ डिलाइटफुल कंपेनियन इसमें देखिए हिज हमारे पास पोजेसिव है क्वालिटी को शो कर रहे हैं ग्रे हेयर्ड भी क्वालिटी है किसकी ग्रे हेयर बाल जो है उसके उनकी क्वालिटी है हिज ग्रे हेयर फादर उसके फादर के जो बाल हैं उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है बहुत अ डिलइटफुल कम्पेनियन डिलइटफुल हमारे पास क्वालिटी आ रही है आप कंपेनियन मतलब कि जो आप साथी हैं उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि वो एक डिलाइटफुल कंपेनियन है नंबर डी देखिए दिस हाउस इज़ बिग बट दैट हट इज़ स्मॉल इसमें देखिए दिस दिस ये और डेड ये दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारे पास आ रहे हैं दिस और डेड क्या रहे आ, आ रहे हैं हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव आ रहे हैं और नेक्स्ट आगे देखें जी बिग और स्मॉल हमारे पास क्वालिटी है दिस और डेड डिमॉन्स्ट्रेटिव बिग एंड स्मॉल इज आर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर ई है जी और चिल्ड्रन प्ले अम्यूजिंग गेम्स एवरी डे आफ्टर डिनर सेंटेंस नंबर ई में और आ रहा है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव और अम्यूजिंग आ रहा है हमारे पास क्वालिटी एजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एवरी हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस नंबर एफ में है वी हैव फोर बुक्स फॉर एवरी बॉय इन आर सेक्शन फोर इसमें हमारे पास आ रहा है क्वान्टिटेटिव एजेक्टिव या एजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी आ रहा है जी और एवरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव आ रहा है एवरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव आ रहा है और आर हमारे पास पोजेसिव एजेक्टिव आ रहा है नंबर एच देखिए द पोअर मैन वॉज ब्लाइंड इसमें हमारे पास पुअर और ब्लाइंड दोनों क्या आ रहे हैं जी क्वालिटीज़ आ रही है किसकी आदमी की द पुअर मैन वॉज ब्लाइंड वो जो बूढ़ा आदमी था वो क्या था अंधा था ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हो गया ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने एक्सरसाइज बी पार्ट वन और एक्सरसाइज सी का भी हमारे पास पार्ट वन है जो हमारे सिलेबस में शामिल है हमने वो कम्प्लीट किए एंड यू हैव टू लर्न दिस एक्सरसाइज फ्राम योर नोट्स ओके स्टूडेंट्स टेक केयर आव योर सेल्फ एंड